नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड की स्त्री और मैं हूं आपके साथ ही। तो मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट अपडेट। फिल्म इंडस्ट्री में आए दिन कोई ना कोई एक्टर एक्ट्रेस खुदकुशी कर ले रहा है। हालांकि इसके पीछे की वजह आज तक स्पष्ट नहीं हो पाती है। जरूरी नहीं है कि वो इंडस्ट्री सिर्फ बॉलीवुड ही हो, बल्कि छोटे पर्दे और अब तो भोजपुरी इंडस्ट्री से भी इस तरह की खबर सामने आने लगी है। ऐसे में आज ही भोजपुरी इंडस्ट्री से एक दिल दहला देने वाला खबर सामने आ रहा है कि इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने बनारस के होटल में सुसाइड कर लिया है। दरअसल एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की उम्र करीब 25 वर्ष थी। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी और अक्सर अपने फैंस के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती थी। ऐसे में बताया जा रहा है कि शुक्रवार को आकांक्षा दुबे शूटिंग के बाद होटल गई थी, जिसके बाद अब खबर आ रही है कि आकांक्षा ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि अभी तक सुसाइड की वजह सामने नहीं आई है। आकांक्षा दुबे के निधन की खबर से पूरे भोजपुरी वर्ल्ड में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं ये खबर सुनने के बाद से फैंस का दिल भी पूरी तरीके से टूट गया है। बता दें कि अपने आत्महत्या की एक दिन पहले ही आकांक्षा दुबे ने 25 मार्च यानी कि शनिवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आकांक्षा दुबे गाने पर थिरकती हुई नजर आ रही हैं और अपने मोबाइल से वीडियो शूट भी कर रही हैं। वहीं आकांक्षा दुबे ने इस पोस्ट के साथ ही लिखा है कि बस कोशिश करें। वहीं अब इस वीडियो में आकांक्षा दुबे को देखकर कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि अगले दिन यानी कि 26 मार्च को उनकी आत्महत्या की खबर सुनने को मिल जाएगी। आकांक्षा दुबे के पोस्ट पर उनके चाहने वाले अब लगातार श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे का भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के साथ गाना आरा कभी हारा नहीं 26 मार्च को रिलीज हुआ है। आकांक्षा दुबे ने फिल्मों के साथ साथ तमाम भोजपुरी म्यूजिक वीडियो में भी काम किया था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही इंडस्ट्री में अपनी एक अच्छी खासी पहचान बना ली थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उन्होंने इतना खतरनाक कदम कैसे उठा लिया। वहीं पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अदाकारा ने फांसी क्यों लगाई इस बात की भी जांच पड़ताल जारी है। लेकिन आपको ये खबर सुनकर कितना बड़ा शॉक लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल अभी के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी पंजाब की इसी दिल्ली से। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।